यदि आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, कितने लोगों को पता है इस फंक्शन का रेंज कितना आता है? डोमेन तो सबको पता होगा, क्या है डोमेन इसका? आर माइनस माइनस, सही है? नहीं तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो कहां पर होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी पर। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि यहां पर इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? आर माइनस माइनस डी बाई सी, ठीक। लेकिन यदि आपको इसका रेंज फाइंड आउट करना है तो ध्यान रखिएगा, जब फंक्शन कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर का होता है तो इस फंक्शन का रेंज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? आर माइनस ए बाई सी, दैट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स। ऊपर ए है नीचे सी है, तो मतलब फंक्शन की रेंज कभी भी ए अपॉन सी नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लिया। सेकंड टाइप देखो, यदि एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस गामा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, फंक्शन का डोमेन तो सभी को दिख रहा है। फंक्शन के डोमेन की बात करें तो फंक्शन का डोमेन कितना हो गया? आर माइनस अल्फा कोमा बीटा। डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर जीरो होता है उन पॉइंट्स को हटा देंगे। लेकिन जब फंक्शन की रेंज की बात की जाएगी तो आपको मालूम है कि यदि इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो क्या है? जब कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ जाए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट आ जाए या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का फॉर्मेट आ जाए, तो हम क्या करते हैं? उसको y इक्वल पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो स्टैंडर्ड तरीका है यदि आपको रेंज फाइंड आउट करना है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है वो नोट कर लो, इसकी रेंज तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसकी एग्जैक्ट रेंज कितनी आएगी, लेकिन हम ये जरूर चेक कर सकते हैं कि फंक्शन की रेंज r होगी या फिर नहीं होगी। मतलब कि जो इंटरवल हमें दिया हुआ है उस इंटरवल में ये फंक्शन ओन टू बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर लिख लो, एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया हुआ है फंक्शन एक्स माइनस गामा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज रेंज r only when ये जो न्यूमरेटर में आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना x माइनस गामा, यहां से आपको जो गामा की वैल्यू मिलेगी ये गामा की वैल्यू हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में होनी चाहिए। यदि गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज हमेशा क्या मिलेगी? आर मिलेगी। यदि गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाइन नहीं कर रही है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो फंक्शन लिखा हुआ है फंक्शन का रेंज कभी भी आर नहीं आएगा, इसका मतलब फंक्शन कभी भी ओन टू नहीं बनेगा, ठीक है ना, डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लो हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर लें, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यहां पर जो गामा की वैल्यू दे रखी है कितनी है? वन। अल्फा और बीटा चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू
और बीटा की वैल्यू 3 है, तो यदि यहां पर गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में आ रही है तो इसका मतलब है कि फंक्शन की जो रेंज आपको मिलेगी वो हमेशा आर के बराबर मिलेगी। चाहो तो आप वाई मान के सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन जब कभी भी गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई नहीं करेगी, फंक्शन की रेंज आपको कभी भी आर नहीं मिलेगी, चाहे आपको कुछ भी मिले। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन इस इंटरवल में कभी भी ऑन टू नहीं बनेगा। यहां पर देखो गामा की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, -2 इज लेस देन 1 इज लेस देन, यदि गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में नहीं है तो मतलब फंक्शन का रेंज कभी भी आर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेम इसी तरह से यदि आपके पास फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया हो, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x माइनस गामा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का फॉर्मेट है तो फंक्शन का डोमेन तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है हमेशा वैल्यूज ऑफ x, तो वो तो बहुत ईजिली दिख जाती हैं। लेकिन जब रेंज की बात करी जाएगी तो फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे, तो यहां पर भी यदि आपको चेक करना है कि फंक्शन का रेंज आर है या फिर नहीं है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इस केस में भी ये ध्यान रखिएगा, इस फंक्शन का रेंज आपको आर सिर्फ तभी मिलेगा जब गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आर। यदि गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में नहीं है तो फंक्शन का रेंज आपको कभी भी आर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है, जब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इस फंक्शन की रेंज आर होगी कि नहीं होगी, वाई मान के वो तो तरीका है ही है, वो टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, उसी का ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ, वो तो स्टैंडर्ड तरीका हो गया, वो तो सभी में लगेगा। यदि मान लें यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिमिनेंट डी वन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बेकार सभी लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही यहां पर जो हमारे पास लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट मान लेते हैं डी टू है क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी आर, है ना, वो तो अपने को बहुत इजीली दिख जाएगा डी वन डी टू की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यदि आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए दैट इज क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर कि जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का रेंज आर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या है, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी यहां पर, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम डी वन और डी टू इज नेगेटिव, यदि डी वन और डी टू दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, चाहे दोनों हो जाए चाहे एक हो जाए,
कम से कम D1 और D2 में एक नंबर कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। D1 के नेगेटिव होने का मतलब पता है क्या होगा? जब D1 नेगेटिव होगा तो क्या होगा? D1 जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं बनेगी, मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। यदि D1 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है उसका कभी भी कोई रियल रूट एग्जिस्ट, और यदि उसका कोई रियल रूट होगा ही नहीं तो इसका मतलब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी भी जीरो, तो जीरो नहीं बनेगी, तो इसका मतलब फंक्शन की रेंज कभी जीरो आएगी क्या? तो जो भी आएगी लेकिन वो आर तो नहीं आएगी। क्लियर हो गया? तो यदि न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है उसका डी नेगेटिव हो जाए तो मतलब फंक्शन का रेंज कभी भी आर नहीं होगा। ऑप्शन आप चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरह से जब कभी भी, ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखा हुआ है यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बनेगी। और जब वैल्यू डिनोमिनेटर में जीरो बनेगी नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट जाएगी नहीं। यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो बनेगी नहीं तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट जाएगी नहीं, मतलब इसकी जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम या मिनिमम वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। कभी भी फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, क्योंकि वैल्यू इन्फाइनाइट तो तब होगी ना जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो जब कभी भी, पहला केस क्या बना, एटलीस्ट वन ऑफ देम D1 और D2 दोनों में से कम एक क्वांटिटी यदि नेगेटिव हो जाए तो फंक्शन का जो रेंज आपको मिलेगा वो कभी भी आर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बोल सकते हो। यदि आपको फाइंड आउट करना है फंक्शन का रेंज आर है या नहीं है तो चेक करने के लिए तरीका क्या होता है, इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लिखी हुई है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, है ना। जब आप D1 और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि D1 और D2 की जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। यदि D1 और D2 में से कोई भी एक क्वांटिटी यदि नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में फंक्शन की रेंज आपको कभी भी आर के बराबर नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी रेंज आएगी वो मालूम नहीं है क्या आएगी, लेकिन उसकी रेंज कभी भी आर तो नहीं मिलेगी। ठीक है जी, जब D1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और D2 की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, जब D1 और D2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, जो आपके पास फंक्शन होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसके भी दो फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा। लिख लिया तो इसमें लिख लेना, यहां पर नोट कर लेना, पॉइंट में आपको लिखा देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें लिख लो यहां पर, इस वाले केस में, इफ एग्जैक्टली वन रूट गामा और डेल्टा इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, गामा और डेल्टा इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा
देन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज आर, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज आर. इस फंक्शन की रेंज आर सिर्फ तभी मिलेगी जब इन दोनों में से एग्जैक्टली एक रूट जो होगा वो तो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, और इसका दूसरा वाला जो रूट होगा वो आउटसाइड लाई करेगा. क्लियर? अच्छा, कैसे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली एक ही रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है? कैसे मालूम चलेगा? K1 और K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए. यदि K1 और K2 के बीच में क्वाड्रेटिक का लोकेशन ऑफ रूट याद करो, F ऑफ K1 इनटू F ऑफ K2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो. तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है. यदि मैं इसको कुछ नाम दे दूं, पॉलिनोमियल क्या नाम दिया, कुछ P ऑफ X लिखा, क्या लिखा, P ऑफ X लिख दो. तो यदि आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब पी ऑफ गामा इंटू पी ऑफ डेल्टा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन की रेंज आर बन जाएगी, अदरवाइज फंक्शन की रेंज कभी भी आर नहीं बनेगी. इस इक्वेशन में एक बार गामा पुट कर दो, एक बार डेल्टा पुट कर दो, और देखो कि वैल्यू सेम साइन की आ रही है कि अपोजिट साइन की आ रही है. यदि अपोजिट साइन की आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक रूट तो अल्फा और बीटा के बीच में है और दूसरा रूट बाहर है.